हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वार्षिक आकलन मार्च 2024 कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन करेंगे। टाइम है इसका 150 मिनट्स और मार्क्स है 80। तो निर्देश आप देख ही रहे हैं। भाग के बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 15 सही उत्तर का चयन करके लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो फर्स्ट है, तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर किस मुगल सम्राट के समय समाप्त हुए? तो वो अकबर के समय समाप्त हुए, ऑप्शन बी अकबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंदा सिंह बहादुर के बचपन का नाम क्या था? वो था लक्ष्मण देव, ऑप्शन बी राइट है। थर्ड है, छापा मार युद्ध की नई शैली किसने विकसित की? तो वो गीति शिवाजी ने, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 4 है, चूड़ामन के नेतृत्व में किस राज्य का गठन हुआ? तो वो हुआ जाट का, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। 5th है, भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति थे? वो थे पुर्तगाली। 5th का ऑप्शन ए पुर्तगाली जो है वो राइट है। 6th जो है क्वेश्चन आपका, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद जो था वो कौन थे? वो मंगल पांडे थे। 6th का बी आंसर जो है वो राइट है। अब है 7th, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो वो प्राथमिक क्रिया है, ऑप्शन ए प्राथमिक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, जिस दस्तावेज में देश प्रशासन चलाने के नियम है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संविधान कहते हैं, 8 का सी संविधान करेक्ट है। फिर है, भारतीय संसद का अंग है ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी उपर्युक्त सभी। तो डी आंसर जो है वो राइट है, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सभी जो है भारतीय संसद के अंग हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? तो ये 2006 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2006 में, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 11, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 12 जो है, आदिवासी समुदाय का धर्म होता है वो होता है जनजातीय, 12th का आंसर हो जाएगा ए। 13th है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशिए पर जीवन जी रहे समूह हैं? तो 13th का जो है आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी दलित, आदिवासी और मुसलमान, उपरोक्त सभी आंसर है। 14th है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1757 में, 14th का ए आंसर जो है वो राइट है। अब आते हैं 15th पर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो वो है औषधि, 15th का ए आंसर राइट है। 16th है आपका, जपोजी साहब डैश द्वारा लिखित है, तो वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित है। जपोजी साहब गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित है। 17th, सवाई राजा जयसिंह ने डैश नगर को अपनी राजधानी बनाया, तो सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर नगर को अपनी राजधानी बनाया, तो जयपुर आंसर है। 8th है, रैयत शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो है रैयत शब्द का अर्थ जो है वो किसान से हैं जो भूमि को जो है जोतते हैं। 19th है, पेटेंट शब्द का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। 20th है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। 21st है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो वो पटसन को कहा जाता है, पटसन यानी जूट। उसके बाद जो है 22, भारत का राज धर्म कौन सा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका कोई राज धर्म नहीं है। 23rd है, सुलभ इंटरनेशनल किस चीज़ के निर्माण पर बल देता है? तो सुलभ इंटरनेशनल जो है वो सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर जो है
बल देता है। 24th है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, वो हुई थी 3rd December 1984 को। 3rd December 1984। 25th है न्यूनतम वेतन कौन तय करता है, वो डिसाइड्स द मिनिमम वेज, तो वो CIRM और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 8 सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।